हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ गुड वाइब्स का ये जो चॉकलेट लिप बाम है इसका रिव्यू करूंगी। 8 ग्राम इसके प्रोडक्ट क्वांटिटी है। दोस्तों इतना छोटा सा क्यूट सा टॉफी जैसे पैकेजिंग में आया था वो मैंने ऊपर का रैपर इसका निकाल दिया है और ये 125 रुपीज़ का आता है दोस्तों, और इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था। मुझे ये 125 रुपीज़ का ही मिला है purple.com से। और ये इसके इनर जो है प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, छोटी सी नन्ही सी डिब्बी है, प्लास्टिक की है दोस्तों ये। और मुझे ये उतना ख़ास नहीं लगा क्योंकि इसमें ना थोड़ा चिपचिपापन है, अजीब सा चॉकलेट की खुशबू आती है इसमें, लेकिन ये उतना अच्छा वर्क नहीं करता। मैंने जब इसे इस्तेमाल किया तो नमी रही मेरे होठों में, लेकिन उसके बाद मेरे होठों पे एक लेयर निकली थी जिससे मुझे थोड़ा अजीब लगा इसे यूज़ करना। उतना मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया जितना अच्छा इस गुड उसका गुड वाइब्स का दूसरे जो लिप बाम है वो ज़्यादा पसंद आया मुझे। तो देखिए, हो सकता है मौसम की वजह से इसमें इस तरह की चीज़ हुई। देखती हूँ मैं इसे एक दो बार और यूज़ करूँगी। मेरा वैसे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। चॉकलेट फ्लेवर ज़रूर होठों पे लगा या उसकी खुशबू आती रही, लेकिन जैसा इसे वर्क करना चाहिए था वैसा इसने वर्क नहीं किया। दूसरा, इस जैसे हम लिपस्टिक वगैरह लगा के थोड़ा सा हमको लगता है कि हमने होठों पे कुछ अप्लाई किया है और हम अवेयर हो जाते हैं, वैसे ही कुछ इसको लगाने के बाद भी मुझे महसूस हुआ जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमें लगना नहीं चाहिए कि हमने कुछ ऊपर से थोपा है या उसके लिए हमको चैतन्य रहने की ज़रूरत है कि अरे कहीं कुछ ना जाए, कहीं इधर ना लग जाए, उधर ना लग जाए, इस तरह की चीज़ें। मेरा ये मानना है अपना पर्सनली। जैसा हम वैसलीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने कुछ अप्लाई किया है, वो पूरी तरह से हमारे लिप्स पे ऑब्जर्व हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ नरम नरम सा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ। मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, फिर भी मैं इसे एवरीडे अभी अप्लाई कर रही हूँ कि हो सकता है मौसम की वजह से इसने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया हो। अदरवाइज़ ठीक है, प्रोडक्ट क्वांटिटी भी ठीक ही है, अच्छा खासा है और कम मात्रा में लगता है लिप्स पे। इसमें लिखा हुआ है कि इसे चिल्ड्रन से दूर रखना है, तो अब ये बच्चों के लिए तो नहीं ही हो सकता है। मेरा अभी तक का सबसे अच्छा जो लिप बाम मुझे वैसलीन के बाद लगा वो बायोटिक का लगा दोस्तों। बायोटिक का बादाम वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा वर्क करता है। आप उसे रात में लगा लीजिए तो सुबह तक वो बहुत अच्छा होठों को नरम मुलायम रखता है। तो ये मैंने जस्ट एक्सपीरियंस के लिए इसे परचेज़ किया था, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा। आप लोगों का मन हो तो आप लोग परचेज़ करिएगा, अदरवाइज़ 175 रुपीज़ या इतना महंगा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। 125 रुपीज़ तो दोस्तों इतने में कुछ और प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो आप लोगों का मन हो तो ही आप लोग इसे परचेस करिएगा, अदरवाइज़ मुझे तो ये उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय दोस्तों।